नमस्कार, मैं शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंघिया, जिला कोरबा। बच्चों, हम शुरू से ही ये सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें भरपेट भोजन मिलता है तो हमारे शरीर में जो है उचित पोषण प्राप्त करता है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन अब आज के वर्तमान में ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि भरपेट भोजन, अगर आप एक ही चीज़ खाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें कई सारे पोषक तत्व उपस्थित हों। तो आज के पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि कितना भोजन होना चाहिए और कैसा भोजन जो है आपका कैसा लेना चाहिए, ठीक है। भोजन में हमारे मुख्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण भी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है इनकी, और ये विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और इसे चावल, गेहूं, गन्ना, आलू, इसके अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट से तो कम मात्रा में जरूरत होती है इसकी शरीर में, प्रोटीन जो है वो सोयाबीन, दाल, हरा मटर, बादाम, मूँगफली, मांस, अंडे, इसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इन दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में वसा की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ये मिलता है तेल, घी, नारियल, मक्खन, मूंगफली, ये इसके स्रोत हैं। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण की भी हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। ये कई सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये पाया जाता है केला, आम, सेब, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और फल हैं उसमें ये खनिज लवण और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ये चारों आपस में मिलकर एक संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। इसी को हम जब भोजन के रूप में लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, ठीक है। अब स्वस्थ रहने के लिए हम तो इनके स्रोत को हमने देख लिया कि हमको क्या क्या खाना चाहिए। अब विटामिन बता देते हैं। विटामिन और खनिज लवण ये शरीर में थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इनकी थोड़ी सी मात्रा ही हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देती है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो कई सारे रोग भी हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए का जो स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, मेथी, मूंगा, पपीता, आंवला, हरी मिर्च, ठीक है, ये सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। इसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो इसमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है जिसमें मनुष्य को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। दूसरा है विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का स्रोत होता है मांस, दूध, दही, मक्खन, ठीक है। विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरीबेरी, इसमें बेरीबेरी रोग में आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है। इसके अलावा जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और ठीक है। इसके अलावा थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपके खट्टे फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी जो कि त्वचा संबंधी रोग है वो हो जाता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसके स्रोत हैं दूध, दही, छाछ, और इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह धूप में रहते हैं तो भी उससे विटामिन डी का संश्लेषण आपके शरीर में अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, ठीक है, इसमें हड्डियां जो होती हैं वो आपकी कमजोर हो जाती हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि ये चारों हमें बीमारी से किसी न किसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें विटामिन अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम खनिज तत्व देखें तो आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस, ठीक है, और कैल्शियम, ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन हमने देखा है कि हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पाता, इसीलिए आजकल जो नमक जो उपलब्ध होता है उसमें पहले से आयोडीन मिला रहता है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं मिल पाया तो हमें कई बार लोगों को घेंघा बीमारी हो जाती है। दूसरा है जैसे आयरन, आयरन भी हरे पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गुड़ में, इमली में भी ये पाया जाता है। अगर हम आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें एनीमिया बीमारी हो जाती है,
की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम की अगर कमी हो गई हमारे शरीर में तो हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ है कि ये भोजन तो हम ले रहे हैं, अगर ये हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है, एक तो हमें ये सारे रोग हो जाएंगे अगर हम ठीक से विटामिन ए नहीं खाते, बी नहीं खाते, सी नहीं खाते, डी नहीं खाते हैं, अगर इनके स्रोतों को हम नहीं खाते हैं तो हमको ये सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये चार पाँचों चीज़ें ढंग से नहीं खाते हैं तो हमको पोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर शरीर को उचित मात्रा में पोषण ना मिले तो कुपोषण हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों को ये कुपोषण के ज़्यादा शिकार होते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, और जो खाना है अगर उनको उचित पोषण में नहीं मिला तो वो ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, और अगर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हमें गेहूँ, मूँगफली और चना, इसको बराबर मात्रा में मिलाकर गुड़ के साथ देने से जो कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर कुपोषित बच्चे को हम लगातार ये गेहूँ, मूँगफली, चना और गुड़ ये बराबर मात्रा में मिला के अगर लगातार देते रहें तो वो जो कुपोषित बच्चे हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा हम स्वस्थ बच्चे को भी ये दे सकते हैं ताकि उनकी जो पोषण की कमी है वो ना हो। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जो भोजन है वो कितने मात्रा में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, प्रोटीन में उसके बाद तो उसके इससे थोड़ा कम प्रोटीन, उससे थोड़ा कम वसा, उसके बाद थोड़ी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, और इसके अलावा ठीक ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और बीमार भी कम पड़ेंगे। ठीक है।